नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन जब ग्रीन सिग्नल को क्रॉस करती है तो फिर वह अपने आप रेड कैसे हो जाता है। आप ये जो व्हाइट बॉक्स सामने देख रहे हैं, इसी का सबसे बड़ा रोल है इसमें। इस व्हाइट बॉक्स से तार निकलकर पटरियों से जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यह व्हाइट बॉक्स स्टेशन मास्टर के ऑफिस से कनेक्टेड होता है अंडरग्राउंड वायर से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लाइट तभी जलती है जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो, तो रेड लाइट की सर्किट पूरी कंप्लीट करके उसे जलाए रखा जाता है अगर किसी ट्रेन को रोकना हो तो। और ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देने के लिए स्टेशन मास्टर ग्रीन सिग्नल का सर्किट कंप्लीट करते हैं रेड सिग्नल का सर्किट ब्रेक करके। उसके बाद सारा काम यह व्हाइट बॉक्स ही करता है। यानी जब भी कोई ट्रेन ग्रीन सिग्नल को पार करके इस व्हाइट बॉक्स से जुड़ी वायर के पास पहुंचती है, यह व्हाइट बॉक्स तुरंत ग्रीन सिग्नल की सर्किट को ब्रेक करके रेड सिग्नल की सर्किट कंप्लीट कर रेड सिग्नल को जला देता है और इस तरह फिर से सिग्नल रेड हो जाती है। यह व्हाइट बॉक्स आपको हर सिग्नल के पास देखने को मिलेगा और स्टेशन मास्टर को इसी से पता चलता है कि कोई ट्रेन सिग्नल पर खड़ी है या फिर सिग्नल को पार कर गई। और आइए अब जानते हैं कि ट्रेन पटरियां कैसे बदलती हैं। और ये जो ब्लैक कलर का आप मशीन देख रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रैक स्विचिंग मशीन। यानी किसी ट्रेन को अगर पटरियां बदलवानी है तो इसी से होता है पटरियां बदलने का काम। यह मशीन पूरी तरह से स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है। इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता व्हाइट सिग्नल बॉक्स की तरह। पहले पटरियां बदलवाने के लिए गैंगमैन को रखा जाता था, अब यह सब काम स्टेशन मास्टर खुद अपनी ऑफिस में बैठकर करते हैं ऑफिस में लगे इस डिवाइस से। और इस डिवाइस को अब हटाकर कंप्यूटराइज सिस्टम किया जा रहा है ताकि स्टेशन मास्टर को आसानी हो। और ट्रेनों को सिग्नल देना है या नहीं, इसके लिए स्टेशन मास्टर अपने अगले स्टेशन मास्टर से वॉकी टॉकी या फिर लैंडलाइन फोन से बात करते हैं हर बार। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।